Bonjour tout le monde. Donc je viens d'arriver à l'université. Donc c'est aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc on va voir qu'est-ce que les étudiants pensent et aussi les magasins. Parce que les magasins étaient fermés dehors de l'université. Donc on va poser des questions aux magasins aussi. Parce que c'était fermé depuis mars. Donc c'est aujourd'hui. Il y a un monsieur qui fait des magasins. Donc c'est aujourd'hui, il a ouvert son magasin. On va poser les questions à monsieur. तो आपका स्वागत है सर मेरी दिल्ली में। आपकी दुकान है, किस नाम से दुकान? मेरी दुकान है यश पराठा जंक्शन के नाम से। यश पराठा जंक्शन, कितने टाइम से सर? ये हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। अब जैसे मार्च से तो बंद होगी? हाँ मार्च से तो बंद है सर। कितने दिन बंद रखी आपने ये? तकरीबन आप मान लो 9 महीने बंद रही कम से कम। ये 9 महीने बंद रही। तो अब खोली है आपने? हाँ अभी 2-3 महीने हुए खोले हुए। तो अभी कैसा आपका काम धंधा कैसा है 2-3 महीने से? सर अभी नॉर्मली है, अभी तो जिस तरह की उम्मीद थी कि खुलेगा यूनिवर्सिटी तो वैसा तो अभी कुछ है नहीं। अभी लग रहा है कि कोविड की वजह से थोड़ा डर है कहीं ना कहीं? सर डर तो खैर इतना नहीं है क्योंकि जब से वैक्सीन आई है डर तो नहीं है, लेकिन अभी कॉलेज बंद है इसलिए काम पूरा ठप पड़ा हुआ। अभी तक काम पूरा ठप पड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सारे कॉलेज वगैरह जितने सब संस्थान हैं वो खोल दिए हैं और मास्क केवल ज़रूरी है, तो धीरे धीरे शायद आपको लगता है कि मतलब धीरे धीरे काम चालू होगा, तेजी से बढ़ेगा काम? सर उम्मीद तो पूरी है मगर बाकी देखते हैं क्या होता है, उम्मीद तो दुनिया का है हमें। अच्छा जैसे बॉम्बे में केसेस बढ़े हैं, बॉम्बे में केस बढ़ गए हैं तो दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति हो गई है, तो उससे कहीं ना कहीं डर का माहौल हुआ है कि दोबारा कहीं? सर दिल्ली में तो मुझे नहीं लगता नहीं कि दिल्ली में कि डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली में सभी लोग ज़्यादातर यहाँ पे मास्क पहन के आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो मेरे हिसाब से लगता नहीं कि दिल्ली में इतने केस बढ़ेंगे यहाँ पे वैसे। अच्छा 2000 का जो चालान है उसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है भीड़ अभी ज़्यादा बढ़ नहीं रही? नहीं नहीं सर ऐसा कोई इशू नहीं, मुझे अभी तक तो दिखा नहीं खैर अभी तक। अच्छा अच्छा कल क्या है, परसों हमारे प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई, तो उससे कहीं भरोसा बढ़ेगा लोगों को वैक्सीन के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन के ऊपर भरोसा नहीं था लोगों का कि अरे कहीं बीमार ना पड़ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, इससे कहीं कुछ फ़ायदा होगा देश को? सर उम्मीद तो है, अब देखो क्या होता, बाकी रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, 50 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो थोड़ा भरोसा जगा है वैसे, क्योंकि पहले नहीं लगवाई थी पीएम मोदी ने, अब लगवा ली है तो उससे थोड़ा सा भरोसा बढ़ा हल्का सा। हाँ क्या क्या बेचते हैं आप अपने? सर हमारे पास इंडियन चाइनीज साउथ इंडियन सारा कुछ है हमारे पास। हाँ तो पहले की अपेक्षा अभी काम डाउन है पूरा है? सर पहले ये मान लो 100% है, तो अभी के टाइम में सिर्फ 5% काम रह गया है। 5% अच्छा। तो चलिए मैं आप एक बार दिखाऊंगा आपके भैया की, यश पराठा जंक्शन है ये, और पिछले 3 साल से ये यहाँ काम कर रहे हैं। यश पराठा जंक्शन ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी का जो गेट है, पीछे वाला जो गेट है ये दौलतराम कॉलेज के सामने, उसके बिल्कुल बराबर में एक जूस की दुकान है, उसके बराबर में भैया का छोटा सा फास्ट फूड की शॉप है यश पराठा जंक्शन करके, और बहुत शानदार फूड है। आप कभी भी यूनिवर्सिटी आएँ आप ट्राई कर सकते हैं आराम से, और रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से बच्चे आते हैं और उनको उनके पास नॉर्मली ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो वो आराम से अपना यहाँ पे आफ्टर मतलब दोपहर का भोजन आराम से कर सकते हैं। फास्ट फूड जो है बहुत नॉर्मल प्राइस हैं, यहाँ पे पास्ता है, चिली आइटम्स हैं, डोसा है, मोमोज़ हैं, पराठे हैं, नूडल्स हैं, पिज़्ज़ा सैंडविच, तो कॉम्बो भी है, थाली का भी है, लंच का पूरा मतलब सब कुछ है ऑलमोस्ट, तो आप यहाँ के आराम से आप खाना खा सकते हैं आराम से। तो ये है यश पराठा जंक्शन, तो हम तो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बराबर में यश पराठा जंक्शन। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मेरी दिल्ली में स्वागत है, धन्यवाद।